Sabere, sabere, subha sabere, sama kesa. Jire na mazato, subha me hai. Good morning, assalamu alaikum. Kaise hai aap sab log? Ghade aali devo, nikaal liyo mera piya hai. Parde ko sahi bajaya yaar. Tujhe amja jaan liya. प्रोग्राम के आज का जो हम शो कर रहे हैं वो है पंजाब और सिंध की रस्मों के हवाले से। जी जी, दूध तलाई की रस्म होती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बैठ जाओ, अंदर नहीं डाल रहे, बैठ जाओ। नहीं। मार दूला डाइटिंग पे। अरे अरे, एक ये रस्म है, मैं नहीं कर रहा। आज हम बात करेंगे परेशानियों की, मसाइल की। जहाँ बीमारी ज्यादा है, अल्लाह ताला ने इसको वहीं उगाया भी ज्यादा है। इसको आग बोलते हैं। ये पकता रहेगा, इसके ऊपर झाग बनता रहेगा। ये जो सेंटर में है, ये लगाने से बच्चों के पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। हम कलर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रंग, पाकिस्तान की सकाफत जो कि मुख्तलिफ सूबों में अपनाई जाती है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। ये जो रंग हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान या फिर पंजाब के, ये मिल के बनता है पाकिस्तान। पठानों में भी बरादरियाँ हैं, तोरू है, ईसा खेल है, खटक्स हैं और यूसुफ जई है। खूबसूरत सी रस्म बता देता हूँ, उसे कहते हैं पटके। परी के जोड़े भी आमतौर से होता था कि भाई सात जोड़े हैं या पांच जोड़े हैं, तो ये ग्यारह भी या ग्यारह भी होते हैं, ये डिविजिबल नहीं है। और सुबह सवेरे समा के साथ में ये है आपका नया सेट, ये है आपका नया घर। और सुबह सुबह हमारी जहाँ मुलाकात होती है तो वहाँ कुछ माहौल भी ऐसा होना चाहिए ना कि आंखें थोड़ी बहुत खुल जाएं। तो हमने अच्छे अच्छे कलर्स का चुनाव किया
ताकि हमारी जो सुबह है वो ठंडक से हो, अच्छे अच्छे कलर से हो। हमने टेंशन वाले कलर सारे निकाल दिए अपने सेट से, हमने ठंडे ठंडे जो कलर्स हैं वो अपने सेट में रखे हैं ताकि जब हम सुबह उठें ठंडे ठंडे कलर्स को देखें। और आज तो स्पेशली क्योंकि मंडे है, मंडे को तो हर बंदे को एक सुस्ती सारी होती है, हर एक में उठा नहीं जा रहा होता। मंडे से होते होते हमें थर्सडे तक हम पहुँच जाते हैं फ्रेश होने में, और जब फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद फिर हमारा वीकेंड आ जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मंडे का आगाज़ ही एक दमदार तरीके से करें, वो भी निम्रा ने माशाल्लाह से। ज़ोरदार ताली हो जाती निम्रा के लिए और हमारे बैंड के लिए कि इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से आवाज़ और जान डाल दी निम्रा आपने, थैंक यू सो वेरी मच। और आजकल के ज़माने में हर चीज़ का अगर हम हल तलाश करने निकलें बहुत ही महंगा है। आपको कोई परेशानी आ जाए, कोई मसला हो जाए, तो अगर उससे छुटकारा हासिल करना हो या उसका कोई हल निकालना हो तो बड़ा ही कोई महंगा सोल्यूशन आपके सामने आता है। लेकिन आज हम आपके सामने नहायत ही सस्ती, आजमूदा और अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपकी ख़राब हो जाए ना, टोटके भी अगर आप कुछ करना चाहें तो आपके पास 10 रुपए के अंदर किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं होता। आपके पास है कोई टोटका? सुबह मैं पूछ रही थी आप लोगों से कोई ऐसा टोटका जो 10 रुपए में आप जिसका हल निकाल दें, कोई आपके पास नहीं है? ऊँचा बोला ना ज़रा, नहीं है ना। पर आज हम आपको देंगे ना कि किस तरह से हम आपको अच्छे और आजमूदा टोटके सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में करके बता सकते हैं। तो जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजवाएंगे। सबसे पहले तो जी उम्मीद राहिल हमारे साथ है, जोरदार ताली उम्मीद राहिल के लिए जी। साथ में हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्कीज बैठी है, जो कि आज जो चीजें लेकर आई है ना हमारे पास, अल्लाह माफ करे मैं परेशान हो गई हूँ, मैंने इनको आज सीने से लगा लिया अपने कि जो ये आज अपने साथ चीज़ें लेकर आई हैं ना ये मुझे दे दें, क्योंकि ये आज जादुई एक तरीका लेकर आई है पतले होने के लिए। सूप एक लेकर आई क्योंकि आगे सर्दी आने वाली है, तो तैयार है ना सारे पतले होने के लिए। साथ ही हमारी बहुत ही प्यारी अमर खान भी हैं। मैं बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच अमर जी, थैंक यू सो मच। और जी हमारे साथ ईसा भाई भी है, ईसा भाई के लिए ताली। और ईसा भाई आज कमाल ही करने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीजों का इलाज आपको 10 रुपए में बताएंगे कि आप खुद भी परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या गया हमारे साथ। और आज हम इनसे डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा लेंगे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। साथ में हमारे साथ हकीम रजा साहब है, सलाम अलैकुम जी। आज साहब क्यों लग रहा है कि आप हकीम रजा साहब नहीं, उनके कुछ छोटे भाई आ गए हैं, पहचाने नहीं जा रहे ना, हल्के छोटे से लग रहे हैं। डॉक्टर ईसा तो आज हीरो ही लग रहे हैं। आदाब कर दे भाई, ये देखिए हकीम साहब, ईसा भाई आप तो बॉयश लग रहे हैं आज। उन्होंने साथ ये नहीं कहा कि भाई, साथ में भाई भी कह रहे हैं, मतलब हमारे भाई ईसा भाई, लेकिन ऐसा ईसा भाई की वजह से ऐसा लग रहा है, मेरा शेड आ रहा है इन पे। लेकिन गुड चेंज, गुड चेंज, लेकिन भाई बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। अच्छा आज भाई ये हमारी बेगम का कमाल है, बेचारी रोज मेहनत कर रही है हम पे। पहले अम्मियां इसे कहते हैं बेगम की जादूगरियां, बेगम की जादूगरियां, अच्छी बात है, बेगम ही की है ना, ठीक है। हाँ, बाकी किसी और की नहीं है, वरना बेगम के लिए काफी तश्वीशनाक बात हो जाती। अच्छा कुछ बेगम ऐसी होती है ना जो चाहती है नहीं जैसे भी है रहने दो ना, कुछ जरूरत क्या है बहुत अच्छा लगने की। ये अक्सर ही होता है कि अच्छे लगेंगे बिलावज और 10 पीछे पड़ेंगे तो ठीक है, नहीं नहीं खराब भी लग रहे हैं, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, अच्छी बात है। हमारी बेगम का कॉल है, आप कहीं भी जाएं रात को तो घर ही आना है। मैंने कहा जी बिल्कुल आते हैं, रात को घर आओगे फिर तो देख ही लूंगा, आना तो नहीं घर है। अच्छा जी कैसा लग रहा है आपको? नया बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा चेंज है। लोगों को दिखाया ना जरा सेट, कैमरा मैन सर घुमाए। मुझे तो शैंडिलियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्रिस्टल ब्लिंग मुझे ना? मुझे लग रहा है मैं इन वादियों में खो गई हूँ। और ये भी देखो, ये वाला भी अच्छा। अब बेस्ट थिंग बता, मुझे ये वाटरफॉल बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कहते हैं ना ये बहुत आपको रिफ्रेशिंग और सूदिंग इफेक्ट देते हैं, हल्की हल्की जो आवाज होती है। एग्जैक्टली जो आवाज मुझे सुनाई दे, मैंने हमेशा घर में भी रखा हुआ है वाटरफॉल ना, जब भी हो मुझे अच्छा लगता है। डिप्रेशन का भी इलाज है, बिल्कुल सही बात। और क्योंकि ना मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो कहते हैं जी हम डिप्रेशन में समुंदर किनारे निकल गए थे, और जब हम समुंदर के पास चले जाते हैं तो हमें वहाँ पे फिर कुछ और सोच नहीं पाते, हम कोई भी नेगेटिव चीज़ सोच नहीं पाते। ये देखें ना ऑडियंस के पीछे जितने भी इम्पैक्ट हैं, हम हजारों रुपए खर्च करके इनके करीब जाते हैं, बिल्कुल जो यहाँ लगे हुए इतने नेचुरल हैं कि मतलब ये चीजें हैं बेसिकली। इंसान क्योंकि नेचर के बहुत करीब रहकर बड़ा फ्रेश रहता है, बिल्कुल वो सारा एक। और स्पेशली ये जो आप लोगों ने दुनिया की टाइमिंग सेट की हुई है पाकिस्तान से लेकर मुख्तलिफ कंट्रीज की,
अगर गौर करें तो सब कंट्रीज की इन्होंने तकरीबन जो मेरे सैलून में घड़ी खराब हो गई, मैं सीख ले जाती हूँ। अच्छा जी, और घड़ी घड़ी लोग आप हमें कॉल भी कीजिए, और हमें कॉल करके आपके पास भी अगर कोई 10 रुपए के अंदर अंदर कोई नुस्खा है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मदिया, मैं आयशा बात कर रही हूँ कोटादू से। अच्छा आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ मदिया। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा की मेरी आपसे बात हो रही है। आई एम वेरी लकी टू कि मैं आपसे बात कर रही हूँ आज। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि जो मुझसे इतना प्यार करते हैं मेरी उनसे बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। आयशा, सेट कैसा लग रहा है मुझे जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा, अमेजिंग। मैं कहती हूँ कि आपका शो सबसे डिफरेंट है। आप जो चीजें बताते हैं शो में, ये जो जिनसे हमें फायदे होते हैं, कसम से बहुत अच्छे है और हम लोग सब के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आयशा कुछ पूछना चाहेंगी? आज तुम्हारे हर्बलिस्ट है और बड़े जबरदस्त किस्म के टोटके बताने जा रहे हैं। जी, मैं एक्सपर्ट से तो बात करना चाहूंगी, लेकिन मदिया मेरी आप से एक मिनट, मुझे मैं बिल्कुल आपसे बात करती हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक यहाँ पे लेनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। After the break, हमारे मुल्क में रुपए की कदर गिरती जा रही है और अब तो आपने देखा है कि 10 रुपए का सिक्का भी आ गया है, जिससे ऐसा लगता है कि जी कि शायद 10 रुपए की भी अब कोई वैल्यू ही नहीं रही। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के हमारे शो में हम जो आपको टोटका बता रहे हैं वो 10 रुपए का ही है। सो बिल्कुल परेशान ना हो, तालियां हो जाना भाई। है तो 10 और ये 10 चल जाएगा। तो डॉक्टर बिल्कीज से पहले हम शुरू करेंगे तो आ जाए जी। अच्छा, हमें मीनवाइल डॉक्टर खुरम ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर खुरम माशाल्लाह से घड़ियों को शक हो जाता है कि शायद हम टाइम पे नहीं चलती, क्योंकि ये आदमी कभी टाइम पे नहीं पहुंचता। तुम्हें भी हम गला अगर कभी खराब हो तो साफ करने का टोटका आज मिल जाएगा 10 रुपए के अंदर अंदर। गुलुकारा नहीं आ रही, ये तो ऑन हो गया। ये तो ऑन है, ये उस तरह। अच्छा, ये यूनिटी हमेशा चाहिए होती है ना, वरना एक बंदा कुछ बना रहा था ना तो बाकी लोग उधर देख रहे होते थे, चिड़िया उड़ गई, हवाएं अच्छी चल रही हैं, वो देखो छिपकली क्या डाल है। तो अच्छी बात है ना, सब साथ मिलके किस चीज के लिए तैयारी हो रही है? अच्छा मैं बता देती हूँ, मैं आपको ब्लश ऑन बनाना बता रही हूँ। घर पे आप ब्लश ऑन कैसे बनाए, ठीक है? और आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, अंबर बड़ी इसमें से ना। नहीं, मैं लगाती हूं, बनाती नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं कहेगी अंबर, क्योंकि सही बनेगा तो अंबर क्यों बोलेगी। ये बात तो है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं लगानो में देख रही हूँ। हम किन किन चीजों से ब्लश ऑन बनाएंगे? देखिए, वैसे तो मैं बता दूँ की बहुत आसान है, अरारोट पाउडर जो मिल जाता है मार्केट, अरारोट से। सही है, इसको करना क्या है आपने, मैं ज़रा सा इसको, ये दो कलर्स आते हैं फूड कलर्स, अगर आप मार्केट से लेते हैं तो एक वाटर सॉल्यूबल आते हैं, एक ऑयल सॉल्यूबल आते हैं। जैसे आपको लिपस्टिक वगैरह बनानी है तो आप ऑयल सॉल्यूबल लें, अगर आपको ब्लश ऑन वगैरह बनाना है तो वाटर सॉल्यूबल लें। घर में आप, क्योंकि अगर डिहाइड्रेटिंग मशीन है तो आप उसमें अपना चुकंदर जो है उसको डिहाइड्रेट कर दें, वो पाउडर बन जाएगा, पाउडर बन के उसका कलर आ जाएगा। उस एक चुकंदर से आप डिफरेंट रेड के तमाम पिंक के शेड आप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या अगर जिनके पास नहीं है उनको बता देती हूँ, आपने चुकंदर को कद्दूकश करके मलमल के कपड़े पे फैला लेना है, उसको सुखाना है, लेकिन उसको धूप में नहीं सुखाना, अगर धूप में सुखाएंगे तो उसका रंग उड़ जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब आपने ये बहुत ही कम लेना है, जैसे 1 ड्रॉप के करीब लेना है, तो मैंने थोड़ा सा ही कलर लिया, जो कलर आपको छोटी छुटकी समझा, और एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अब एलोवेरा जेल, ये तो ये कैसे, ये तो ये कलर तो पर्पल कलर है, पर्पल है, आगे जाके बनते ये ले लेते हैं। सही, कोई बात नहीं, आई शेड बना देती हूँ इससे पिंक वाला। ये चाहिए बड़ा, ये बहुत ज्यादा हो गया, इससे भी कम लेना है, बहुत ही कम लेना है। अच्छा एक सवाल, आपने हाँ कलर डाला तो ये
कोई हार्मफुल तो नहीं है स्किन फूड कलर है ना, जब पिखाने के लिए नहीं तो लगाने के लिए कैसा होगा? नहीं स्किन पे पता चला ज्यादा वो निशान आ जाए, एक सवाल बताइए। बिल्कुल सही है, इसीलिए जो एलोवेरा जेल है वो इसकी सेफ्टी करता है। देखिए अब ये ब्लू का शेड आ गया, हालांकि ये कलर जो है वो ब्लू नहीं था, ठीक है रेडिश है, लेकिन देख लेते हैं ये जो ब्लू का है तो मैं इसको फिर आई शेड बना लेती हूँ। आई शेड बनाना और वो बनाना दोनों सेम है, कितना खूबसूरत कलर आई शेडो का, नहीं मजा आई शेडो का ये जो कलर बन रहा है। अब देखे मैंने क्या किया, एलोवेरा जेल लिया, अब कलर मुझे और भी कम लेना पड़ेगा, इनके बहुत ही कम, एक चावल के दाने के बराबर आपने लेना है, ठीक है। अब मैं इसमें अरारोट पाउडर डाल रही हूँ, स्टार्च ना जी, चावल का आटा, चावल का अरारोट पाउडर, चावल मैंने पहली बार, मैंने कहा ये अरारोट क्या होगा, मैंने कहा चावल का आटा, डर डर के पूछ नहीं रही थी कि नाम भी बड़ा अच्छा है, तो कामयाबी है, पहली बार ही पूछ रही हूं, नाम मैंने सुना ये देखिए अरारोट जैसे रोज देखती रहती है, हां मेरे को चावल का देखा, बढ़िया बात ये है कि एनी भी देख रही होती है और अल्लाह वसाई भी देख रही होती है, अल्लाह वसाई को भी समझ में आना चाहिए, इसलिए चावल का आटा कहना चाहिए। लेकिन चावल का आटा जो है जो बाजार से आप ले उसको और मजीद पीस लें, बहुत पीसना है, टी शर्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये आपका बन गया आई जेल, आई शेडो बन गया। अब इसमें अगर आपने ग्लिटर डालना है ग्लिटर डाल सकते हैं, मगर क्योंकि 10 रुपए में स्ट्रिक्ट है तो ये 10 रुपए से भी कम का बना, ठीक है, तो ये आपको 6 महीने चल जाए। नहीं तो कैसे करें इसको, फ्रिज में रखना है, डिब्बिया में रखना है। और देखिए अम्बर जी नेचुरल चीज से बना है ना, वरना जो हम अपने अक्सर आई शेडो इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी जो आईलेट है वो ड्राई हो जाती है, एलर्जी भी हो जाती है। तो अच्छा जी, इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? आप मिसेस अली बात कर रही हैं कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? आपका शो तो वाकई में बहुत अच्छा है और आपने जो आपकी जो मुस्कुराहट है वो तो सबसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तो खुद समा लगा दिल चाहता है कि हम समा लगा लेते, क्योंकि देखिए आपको भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारा नया सेट है और हम भी चाहते हैं कि सुबह जो समा हो वो सुहाना सुहाना हो, ताकि आप लोग बिल्कुल चैनल चेंज ना करें, आप लोगों के घरों तक हम जैसे दिलों में हैं आपके घरों में भी हम रहें। कोई सवाल पूछना चाहेंगी? हमारे इतने हर्बलिस्ट हैं हमारे साथ यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं सबसे दो सवाल ये कि है ना, मैं डिलीवरी के बाद मेरी वेट बहुत ज्यादा निकल आया, वेट को कम करने के लिए बता दे, वेट तो मैं अच्छा खासा लूज कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, एक तो आप वेट कम और दूसरा आपका सवाल। और दूसरा है ना, मेरी कोई कजन है उसको हो गया है हर्पीस का क्या इलाज है वो बता दो। सही, ठीक है, चले बस आप शो देखते रहिएगा और हम उसमें आपको सोल्यूशन जरूर बताएंगे। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक है? कौन बात कर रही है? मैं सना रोड पिंडी से बात कर रही हूँ, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत शुक्रिया सना, ठंडे ठंडे मौसम से आपने और ठंडे ठंडे शहर से आपने हमें सलाम भेजा है। वैसे शहर की हालात ठीक है ना भाई, खबरों में तो बड़ी है। आपका शो बहुत खूबसूरत है, मैं रोजाना देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा मैं रोज कॉल मिलाती हूँ, आज इतनी एक्साइटिंग हो रही है, आपसे कॉल मिल गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सवाल पूछना चाहेंगी? जी मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। जी जी बिल्कुल, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे मुँह पे बहुत ज्यादा छाइयाँ हो गई है, तो मुझे छाइयों के लिए कोई आसान सजोट का बता दे। ठीक है, मैं बता देती हूँ, आजकल मूली बहुत ज्यादा मार्केट में आई हुई है, आपने मूली का रस निकालना है, उसको लगाना है, लेकिन एक बात बता दूँ, मूली लगाने से ना तो आपको थोड़ी सी जलन होगी, अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा शहद डाल दें, अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली है तो आप उसको रोज़ाना लगाती रहें, इंटरनली इमली आलू बुखारे का शरबत पिए अगर आयरन की कमी है तो, और आप देखें सनब्लॉक अच्छा सा लगा है इंशाल्लाह, लेकिन ये करते रहना पड़ेगा तो आपकी छाइयाँ खत्म होंगी मुस्तकिल। बाकी हम लोग जो अक्सर जैसे लोगों को देखते हैं जो बड़े स्मार्ट होते हैं, हम उनको देख के कह रहे थे कि भाई देखो ना ये कितने स्मार्ट हैं, हम ऐसा कह रहे थे जैसे उनकी तो कोई एफर्ट ही नहीं उसमें, उससे पूछे जो अगली भी चीजें खा खा के इतनी कसरत कर करके इतना पतला है बेचारा, दिल मारते हैं, ऐसा थोड़ी है, जब मर्जी खा लिया। बिल्कुल, एक और टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं पेशावर से शुमाइला बात कर रही हूँ, आपका सेट बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया शुमाइला, शुमाइला आप ठीक ठाक हैं?
ठीक ठाक। मैंने डॉक्टर ईसा से बात कर ली है, काफी अरसे से कोशिश कर रही हूँ, नई नंबर मिल रहा है। आज मिल गया जनाब, परेशानी वाली बात ही नहीं है जी। डॉक्टर प्लीज बात करवा दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईसा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैंने काफी अच्छे से आपका ट्राई कर रही हूँ, नंबर भी नहीं मिलता। मैंने आपसे बात करनी थी, मुझे घुटनों का बहुत ज्यादा मसला है। मेरी एज तकरीबन 30-35 के दरमियान में है और मेरा वेट भी 85 है। अच्छा, ओके, ओके। 85 चलें चलें, ठीक है। स्माइला, हम जिनका अभी एक और कॉल ले लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाना है तो, लेकिन आप ठीक है, पहले एक और चलें, पहले एक और कॉल ले लेते हैं, फिर एक साथ जवाब देते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया स्माइला आपकी कॉल का। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल ले। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? कराची से हुमैरा बात कर रही हूँ जी। हुमैरा, और आपके पास इतने डॉक्टर हैं तो प्लीज, डॉक्टर खुर्रम है, डॉक्टर बिल्कीस है, डॉक्टर ईसा है जी, और जी, भी हैं तो, मगर मुझे इनसे जरूर ये कर प्लीज बताइए कि जो ये बच्चे गुटखा और खा लेते हैं और उनके मुंह जो है वो मतलब कम खुलते हैं। बिल्कुल 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 जी। मेरा बेटा है 17 साल का, और आप यकीन कीजिए पता नहीं किस दोस्तों के साथ जो है ना उसने उसको खिलाया है, और उसके बाद जो है ना उसका जो हाल हुआ है ना, जब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से छुड़ाऊं। पिछले दिनों उसने बहुत कोशिश की छोड़ने की, अगर वो मुझे खुद ही उसको देखकर खौफ आता है। आपका बेटे, आपके बेटे की उम्र क्या है? 17 साल है। 17 साल, चलें चलें। और उसका जो है ना खाना बिल्कुल नहीं खाता। 17 साल में उसका वेट जो है वो 40 kg है। एक आखिरी ट्राई जरूर करें जी जी, अपने बेटे को कहें कि पूरा मुंह खोल के, आप प्लीज मुझे, आप प्लीज, मैं जब आपको जी जी बिल्कुल, आपको जी जी आपको बता रहे हैं डॉक्टर खुर्रम, आपको बता भी रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब फोन रखूँ प्लीज आप बताएं। अच्छा जी जी, मैं समझ सकूँ। सही, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, इनकी कॉल का हम अभी बता देते हैं, फौरन बता देते जी जी। अच्छा, क्योंकि प्री कैंसरस स्टेज होती है, अगर आप बहुत गुटखा खाते हैं, छालियां खाते हैं, तो आपके पूरा मुंह जो है खुलना बंद हो जाता है, छोटा हो जाता है मुंह। अगर आपकी ये 4 उंगलियां अगर आप मुंह खोल के नहीं डाल सकते, इसका मतलब है कि आप फर्स्ट स्टेज में एंटर हो गए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह कि फौरी तौर पर एक डेक्टरन ओरल जेल से स्टार्ट करेंगे, मगर अपने फौरन आप डॉक्टर को दिखाएंगे, वरना इससे पहले कि ये विद इन फ्यू मंथ्स ये कैंसर हो जाएगा और आपको पूरा मुंह, आप अल्लाह ना करे। इसमें एक चीज में एक और ऐड करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल दिन में डेली कोई 1 से 2 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको माउथ का कैंसर है। अच्छा, उसकी रीज़न अगर पीछे पूछें तो ये गुटखा और पत्ती वाले पान है। अब इसमें क्या लोग मिला रहे हैं, तो मैं अपनी बहन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो जिनको ये डाउट है कि वो मुँह नहीं खुल रहा, एक तो रेसिपी ग्रीन रूट के पेज पर लिखी हुई है, उनकी भी जो गुटखा छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, वहाँ से आप लोड कर लें। और इस सिचुएशन में जिसमें आपका बेटा है, फौरन आप जाकर 50-100 रुपए का संबलू ले ले, ये याद रखिएगा, संबलू, एक हल है, गार हल भी कहते हैं और संबलू भी। तो इसको क्या करना है, आपने रोजाना 1 कप रात को नीम गर्म पानी का लेकर उसमें 1 टीस्पून मिलाकर मिक्स करके ओवरनाइट रख दें। सुबह में निहार मुँह बिस्मिल्लाह करके थोड़ा थोड़ा उसको जैसे घूंट हम लेते हैं और इसको गागल कर लें, यूं करके, और फिर पी जाएं। इस तरह करके ये पूरा कप रोजाना पिलाएं तो अल्लाह ताला ने चाहा तो आसानी हो जाएगी। एक और है, एक गिलास पानी गर्म कर लें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं और 1 चम्मच रोगने जैतून या तिल का तेल मिला लें। सुबह सुबह उठ के जितना गर्म आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसके गरारे करें, तो उससे ये होगा कि इंशाल्लाह वो जल्दी मुंह खुलना शुरू हो जाएगा आपका, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने इसके लिए रमजान में पूरा नुस्खा बताया था, जिनके मुँह नहीं खुलते थे और उनको कैंसर नहीं था, मतलब कैंसर पेशेंट के लिए नहीं बताया था, लेकिन गुटखा खाने की वजह से अल्सर है और मुंह नहीं खुलता है, उनके लिए मैंने रमज़ान में एक आप ही समा से ही नुस्खा बताया था, वो इंशाल्लाह मैं दोबारा लाकर आपको बताऊंगी, आप वो नोट कीजिएगा, उससे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जहाँ तक डॉक्टर ईसा ने और भाई ने बात की सुमलो बूटी की, तो उसका छोटा सा टुकड़ा रात को मुँह में रख के उसको पीते रहे, उसका पानी पीते रहे, ये भी बहुत ही अच्छा नुस्खा है जिनको किसी भी किस्म का कैंसर और जदीद, और बस उसको मुंह में रख के ना उसको उसका पानी उतारते रहे, बहुत कड़वा होता है, उसके बाद ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, बस वो छोटा सा जो टुकड़ा है वो आपने डस्टबिन में डालना है और सो जाना। ठीक है, चलो जल्दी से रेसिपी की तरफ। रेसिपी बहुत आसान है, मैंने कोका पाउडर लिया और दोबारा ये लिया, ये आपकी बेस बन गई चावल का। ठीक है,
ये आपका अभी कैसे पाउडर बेस्ड है, नहीं मैं बता रही हूँ, इसको सुखाएंगे, इसको सुखाएंगे, हाँ सुखाएंगे तो बिल्कुल ये दोबारा पाउडर वो बन जाएगा, तो ये लिक्विड टाइप हो जाएगी जैसे नहीं नहीं ये पाउडर बेस्ड है, कॉम्पैक्ट है लिक्विड बेस्ड बनाने के लिए, फिर इसमें दूसरी चीजें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस, ये जो ये असल में वो जो एलोवेरा जेल मैं बनाती हूँ, तो मैं एलोवेरा जेल निकालती हूँ उसमें उतना ही रोज वाटर डालती हूँ, फिर उसको पकाती रहती हूँ फिर इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स ऐड करती हूँ, तो ये उसकी खुशबू है। ठीक है, ये देखिए आपका वो बन गया, और अब आपने डिफरेंट कलर की डिफरेंट ज्यादा डार्क हो तो कोका पाउडर ज्यादा ले लें, डार्क लेना है, लाइट लेना है तो आप दूसरा ले लें, ये गोरा सफेद से भी बनता है लेकिन लाल सफेद ज्यादा पीसता नहीं, ये गोरा ये गोरा के कारण ड्राई भी हो गया, थोड़ा सा काला ड्राई भी हो गया हल्का सा, इसको और डार्क करना हो तो आप डार्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टैनिंग के लिए आप डार्क कर देंगे, देखिए डार्क होती चली जाएगी, सही, और डार्क करना है और डार्क करना है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, बहुत सूदिंग भी है, ठंडा है, और ये अच्छा अभी इसमें, हाँ इसमें भर दें आप किसी भी उसपे, किसी भी शीशे में भर दें, ये खुश्क हो जाएगा, आपका पाउडर बेस जो है तैयार हो जाएगा, तैयार है, ब्लश बनाना भी बता दूंगी, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में, वो भी सिर्फ 10 रुपए में, अगर आप देखें तो 10 रुपए से भी कम होगा, 10 रुपए से भी कम, और 10 मिनट से भी कम टाइम में ये बन जाएगा। इसको अगर आपने लिक्विड करना है ना तो फिर इसकी कीमत बढ़ जाएगी, फिर इसमें ना शिया बटर आ जाएगा, फिर इसमें आर्गन ऑयल आ जाएगा, फिर वो उन दोनों को फिर हम मर्ज करेंगे, तो फिर वो ये लिक्विड बेस जो हम खरीदते हैं वो बन जाएगा। अगर आप कहें तो टाइम है तो मैं बना के बता देती हूँ जल्दी से, अगर ब्रेक लेनी है तो मैं उसके साथ ही फौरन निकल भी जाऊंगी। ये बस आपने करना क्या है, देखो मतलब मेकअप्स भी बनने लगे सारे, बल्कि मेरे पास ब्रेक आ ही गई है, अभी हमारे पास डॉक्टर मेरा ही डॉक्टर ईसा भी है, हमारे साथ हकीम रज़ा भी है, हमारे पास डॉक्टर फौरन भी है, और हमारे पास अंबर जी भी, और हमारे पास हर टोट का जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में है, तो कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने एक खीरा लिया था 10 रुपए से कम है जी, खीरा हमने एक खीरा लिया था और इसके अंदर हमने ऐड करना है लेमन, लेमन हाफ लेमन ले लें जी जी, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि लेमन लेने से गला खराब होता है, इस रेसिपी से गला भी खराब नहीं होगा, उसकी वजह बताने वाला हूँ, उसकी वजह यह है कि इसमें डलती हैं 10 से 15 काली मिर्चें। ओए ओए ठीक है, ठीक हो गया जी, जेल जो है पौधा अक्सर होता है जी, घरों में नहीं हो तो नर्सरी से मंगा लें और 2 टेबलस्पून एलोवेरा डाल दें, ये रेसिपी हो गई आपकी कंप्लीट। अरे वाह, जी बिल्कुल खाना चाहिए, पानी चलो आज जाके नर्सरी से पौधा लेके आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला, उसके बाद मेरा काम खत्म, अब जूस बना के देगा खुरम भाई। अच्छा ईसा भाई, जैसे ये तो ठीक है उसके लिए मसल, बहुत सी जो खवातीन मोटापे में है लेकिन जैसे मैंने वो उनको आर्थराइटिस है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कहते हैं नींबू ना पिए, तो उनके लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, जॉइंट वाले के लिए मैं मना करता हूँ आफ्टर 40 के बाद लेमन और स्पंगल दोनों, ठीक है, गूदे को ड्राई करती है। अच्छा। लेकिन क्योंकि इसमें आपने काला मिर्च डाल दिया, ब्लैक पेपर, तो ये लेमन की जो वो सिट्रस फैमिली का जो नुकसान करने वाला अमल होता है उसको तो वो लोग भी पी सकते हैं, बिल्कुल एलोवेरा भी डाल दिया ना, एलोवेरा बेसिकली बड़ी अच्छी है क्योंकि खीरा डिटॉक्स ड्रिंक्स ना। अच्छा, और एलोवेरा के बारे में कहते हैं कि वो अगर आप वैसे भी खाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बाहर के ममालिक में तो बकायदा आपको सुपरमार्केट्स में क्यूब्स कटे हुए मिलते हैं। ये ड्रिंक जो है सुबह जब भी आप पिए अल्लाह ताला का नाम लेके, पहले तो आप 1 गिलास सादा पानी पी लीजिएगा, उसके बाद पीजिएगा नाश्ते से पहले, नाश्ते से बहुत नाश्ते से पहले, कौन घंटा करके नहीं आया, हाँ आप पिए वो तो पहले थी, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, नाक बंद, और दोस्तों में भी बांटें, बांट सकती हैं आप। अच्छा ये क्या फैट को काट रहा है या आपका मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहा है, उसको भी तेज करता है और फैट को भी काटता है।
लेमन भी। अच्छा जी, अब हम जो रेसिपी बना रहे हैं 10 रुपए की, जी जी, ख्वातीन और मर्द जो परेशान है कि उनकी झुरियां, रिंकल्स और स्किन टाइट जैसे करने के लिए, हाँ जी बिल्कुल, 2 चम्मच आप ले लें टेबल स्पून पानी। ये बड़ी जबरदस्त रेसिपी है और माशाल्लाह खुरम भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून जो है हमने शहद लिया है, सॉरी पानी लिया, उसमें हमने टेबल स्पून शहद डालना है। अच्छा पानी, ठीक है जी। अच्छा ये हनी जो है ना ये प्योर होना चाहिए, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ हनी प्योर होना चाहिए, जी जी। अच्छा जी, उसके बाद हम लेंगे मिल्क पाउडर। और पहचान कैसे होगी हनी प्योर, ये भी बताते पहचानने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ग्रीन रूट से मंगा ले प्योर होता है, ठीक है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून जो है हमने सादा चीजें बना दें, सादा चीजें बेच भी दें, ठीक है ना, चीजें भी बन रही हैं, चीजें बिक भी रही हैं। क्या डाला आपने? 1 टेबल स्पून हमने 2 टेबल स्पून पानी लिया, हनी, 1 टेबल स्पून शहद लिया और 1 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर लिया, अगर वो नहीं है तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये एक लोशन टाइप का बन जाएगा, अब आप इसको किसी भी वक्त लगा सकते हैं, टाइम की पाबंदी नहीं है। अच्छा, क्योंकि नेचुरल अक्सर आप ऐसी चीज़ें लगाकर चूल्हे के करीब नहीं जाती हैं, ख्वातीन काम कर रही होती हैं, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। इसका लेप बनाएं, पूरे फेस पे लगाएं, जहां जहां आइस के नीचे लगाएं और यहां तक गर्दन तक लगाएं और इसको 20-25 मिनट के बाद पानी के साथ धो लें, सिंपल। अगर चाहें तो फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं ना, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे तो लगाइए। अक्सर हार्ट बड़े वो खराब हो रहे होते हैं ना। अच्छा, अच्छा ये जो है पता नहीं, सर्दियां भी आ रही हैं, सर्दियां भी आ रही हैं। ये रेसिपी सबके लिए है और 13 साल से लेकर 90 साल तक, चाहे वो मर्द हो ख्वातीन हो, बहुत सारे, ये हमारी नेचर में, हम चाहते हैं हम गोरा होना, तो मैं कम से कम कहता हूँ गोरा ना हो, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको अपना कलर दिया है वो मेंटेन रहे, तो ठीक है। अच्छा, एक टेलीफोन लाइन पे कॉलर जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, मैं हुज़ैफ़ा बात कर रहा हूँ दिकाबाद से। जी हुज़ैफ़ा, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ, मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम सोल्जर भाई। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर ईसा, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मसला ये है कि मैं काफ़ी टाइम बाहर रहता हूँ, अभी घर हूँ कि आपका शो देख रहा हूँ, और मुझे मेरे बाल गिरते रहे और गिर चुके हैं, ऊपर से सर भी नजर आता है, ठीक है। ऑयल चाहिए था फ्री आपसे जो बाल उगा सके। बाल उगा सके, ठीक है, और कुछ नहीं? नहीं बस यही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ये बता दूं नाजरीन को ताकि वो अपने पैसों को ज़ाया ना करें। जिन स्किन के ऊपर पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जहाँ चिकना ही आ जाती है, ये सर्जरी का अमल होता है। अच्छा, अगर आपके बाल थोड़े रुएं भी मौजूद हैं तो ये बाल निकल भी आएंगे, मोटे भी आ जाएंगे। आसान सी रेसिपी है, आप एग ऑयल ले लें, एग ऑयल के अंदर उतना ही ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। वैसे तीसरा ऑयल विटामिन ई का होता है जो यहाँ अमूमन प्योर नहीं मिलता, तो आप एग ऑयल ले लें और ऑलिव ऑयल ले लें, दोनों को मिक्स कर लें। अब जितना आपको चाहिए, सपोज़ करें 1 टेबल स्पून चाहिए, तो 1 टेबल स्पून नीम गर्म पानी मिक्स करके इसको रख दें थोड़ी देर के लिए। एक कपड़ा ले लें आप, सूती कपड़ा, उसको हाथ में फिक्स करके, और जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं है वहाँ पहले मसाज करें इसका 5 मिनट तक, ताकि इसके पोर्स खुल जाएं। उसके बाद इस ऑयल को अप्लाई करें, 3 घंटे चाहें तो रख सकते हैं, अगर आप इसकी स्मेल बेयर कर सकें तो पूरी रात भी रख कर, और कोशिश करें शैम्पू हर्बल इस्तेमाल करें। हम जो ज़्यादातर शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल्स के। सही, सही। अच्छा जी, ये मैं जो रेसिपी बता रहा हूँ आपके किचन में से बनती है, अगर कोई चाहता है कि मैं वाइटनेस के इंजेक्शन ना लगाऊं और उसके बगैर गोरा हो जाऊं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर घर पर बनाइएगा। इसमें 4 चीजें डलती हैं, इसमें 4 चीजें हम डालेंगे, लेकिन पहले कॉल प्रोग्राम में डाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ। दिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फातिमा क्या पूछना चाहेंगी, जल्दी से पूछ ली। ये आपका सेट बहुत प्यारा है और आपको वेलकम शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सवाल क्या है? आज आप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत कलर प्यारा पहना हुआ है आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाइट कास्ट तो जी, मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। जी जी जी, सलाम मैडम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर खुरम, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, आपने मुझे झाइयों के लिए और स्किन जो रेड होती है उसके लिए आपने बताया था, तो मैं लिख नहीं पाई, प्लीज आप दोबारा रिपीट कर दें। मैं आपको बिल्कुल बड़ी अच्छी सी टिप बता रहा हूँ झाइयों के लिए, और बड़ी सिंपल है, घर में आपको इस्तेमाल करेंगे। आप रात को क्या करें जी, 1 ग्लास दूध, ठीक है, 1 ग्लास दूध आपने रात को सोते वक्त 1 प्याले में डाला, ठीक है। इसके अंदर हमने डाली 1 चुटकी कश्मीरी जाफरान,
मैं दूसरी चीज डाल रहा हूँ अगर आपको याद रहे। ये आप किसी और के तो नहीं नुस्खा खराब? नहीं नहीं नहीं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, कश्मीरी जाफरान एक कप दूध, उसमें एक चुटकी कश्मीरी जाफरान और थोड़ी सी मुलेठी, ठीक है, और इसके अंदर आप डालेंगे डबल रोटी के किनारे काट के, डबल रोटी आप खा लें और उसके किनारे काट के इसमें डाल लें, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे 2 से 3 कतरे मीठे बादाम का तेल, और ये रात भर डबल रोटी के टुकड़े आप भीगे रहने दें, जैसे शाही टुकड़े बनते हैं ना उस तरह के किनारे। सुबह को आपने क्या किया, तमाम डबल रोटी के अंदर दूध, जाफरान, तमाम उसके अंदर मुलेठी, तमाम चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। आपने लिया दूसरा, बहन परेशान नहीं होना, जरा ऊपर उठाइए खुरम भाई। नहीं नहीं अभी वो नहीं, मैं बता दूं जी जी जी, परेशान नहीं होना, ये जाफरान ब्लू कलर में नहीं होता, नहीं नहीं हमने कुछ और डाला है, और डाला है। अच्छा, वो मिक्स करके आपने क्या किया, मैंने कि रात को आपने पूरी डबल रोटी को सुबह को निकाल के मलमल के कपड़े में लपेट के पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से डैब किया, तो आपकी स्किन बड़ी टाइटन अप होगी, रंग बड़ा निखरेगा, हल्कों पे लगाएं, आंखों के गिर्द लगाएं, और रात को सोते हुए बकरी के दूध के साथ जिनको बायलोबा खाएं, आपका रंग बड़ा ग्लो करेगा। जिनको जिनको नाम खौफनाक है, जिन बड़ा प्यार आपको मल्टीविटामिन, ये एक हर्बल मल्टीविटामिन है जो खून का दौरान आपका चेहरे और सर की तरह बढ़ाती है, सर्कुलेशन बढ़ाती है, जो अम्माएं चाहती हैं बच्चे सबक अच्छा याद करें उनके लिए बहुत अच्छी है, आपकी मेमोरी लॉस के लिए बहुत अच्छी है, आपके खून के दौरान के लिए, और आपके जो फेशियल ये जो आपके क्रोस फीट आ जाते हैं या आपकी गर्दन लटकती है इनको बिल्कुल ये गायब कर। बेसिकली हम सब चीजें बता रहे हैं बालों की, एक चीज सब भूल गए हम लोग, क्योंकि हमेशा से जो आप सुबह उठते हैं जिनको बालों का या ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, उल्टा लेटो 5-10 मिनट, अपना सर उल्टा कर लो, कंघा करो, ऑटोमेटिकली सारा आपका जो खून का जो के वो फ्लो है वो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात है, उल्टा लेटना भी मुश्किल है, सजदा करें, ये हम बना रहे हैं पूरी बॉडी फेयरनेस के लिए, और ये 4 चीजें आपके घर में होती हैं। इलायची छोटी लेकर उसका पाउडर कर लें, छोटी इलायची का 1 टेबल स्पून हमने ये डाला, नीम की पत्तियां सुखा कर उसको पाउडर करके 1 टेबल स्पून डाल दें, नीम की पत्तियों का पाउडर, उसके बाद सौंफ आपके घर में होता है उसका पाउडर करके 1 टेबल स्पून इसका डाल दें, सौंफ की इलायची भी पेट भी ठीक हो जाएगा अगर खा लें, गुलाब की पत्तियां सुखा कर उसका 1 टेबल स्पून डाल दें, गुलाब जाएंगे, रेसिपी तैयार हो गई। अरे वाह, अब आप इसको मिक्स करके 1/2 चम्मच सुबह शाम, अगर बच्चियां छोटी हैं 10, 12, 13 साल वाली तो उनको दिन में 1/2 चम्मच दे दें बहुत है, लेकिन जब भी लें खाने के 1 घंटे बाद लें या 1/2 घंटा पहले लें। सही सही, और पानी के साथ? नहीं बस ये फकी लें और पानी लें, बॉडी फेयरनेस की बेहतरीन मेडिसिन है ये। जबरदस्त, छोटी इलायची का पाउडर, सौंफ का पाउडर, आपने गुलाब की पत्तियों का पाउडर और नीम, ये किसके लिए था, पेट कम करने के लिए? बॉडी फेयरनेस, बॉडी फेयरनेस के लिए बच्चियों को दें, और स्पेशली वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है दिसंबर में, तो सीजन भी आ रहा है तो लोगों को होता है हम जाके फेशियल कराना शुरू कर दें, हम फलानी क्रीम लगा लें, फलानी क्रीम लगा लें, नहीं लगाए जरूर बनाए, नहीं नहीं वो भी कराए, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बता रहे, क्योंकि 10 रुपए से कम का टोटका है, तो 10 रुपए से कम में अगर आप चिटे होना चाहते हैं, गोरे होना चाहते हैं, तो इतनी आसान रेसिपी है। अच्छा जी, हम ब्रेक पे, ब्रेक के लिए तैयार है भाई, निकल जाए ब्रेक पे। अच्छा जी, ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर उम्मे राहील यहाँ पर क्या बनाने जा रही है, तो हम ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर उम्मे राहील आप क्या बना रही हैं? अच्छा, खूबसूरती की बातें बहुत सारी हो गई, अब जरा सेहत की बात हो जाए, तो अब सर्दियां आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, गला खराब हो जाता है, खांसी का शरबत हम बना रहे हैं बहुत जरूरी, और इसमें नॉन अल्कोहलिक है, मतलब उससे नींद नहीं आएगी आपको, और ये बच्चे बड़े सब पी सकते हैं, और बनेगा बड़े, बिल्कुल। अच्छा मजे की बात है कि ये एज ए लोग इनको एज ए हर्बलिस्ट, लेकिन माशाल्लाह शी इज अ डॉक्टर, पीएचडी, अल्टरनेट मेडिसिंस तो काफी करती भी हैं, और आजकल तो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स पे काम, बिल्कुल, बहुत ज्यादा।
बहुत जल्द आपको एमबीबीएस पीएचसी वैसी भूल जाओ, हर्बल का दौर आ गया, हर्बल जड़ी बूटियों में बात करो। ये मजबूर है, मजबूर है, देख ले हर्बल बन रहा है, हर्बल ही है ये तो, हर्बल ही, हर्बल ही तो है, हर्बल ही तो है, हर्बल। अच्छा मैं ये बताने वाला था, ये शलजम हमारे घरों में होता है, लोग खाते नहीं है इसको, शलजम को लिफ्ट नहीं कराते हैं, हजारों रुपए विटामिन ई क्या ऑयल विटामिन ई की दवाइयां, शलजम विटामिन ई से भरा हुआ है, खाया करें, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा। अच्छा इसमें जो है हमने पानी लिया है, तकरीबन 2 गिलास पानी लिया है, उसमें शलजम डाल दिया पकने के लिए, जब शलजम देखिए बिल्कुल घुल गया है, गल गया है। अच्छा इसमें बाकी चीजें डालने से पहले बता दूं, अगर ये पानी आप निकाल के रख लेते हैं ऐसा, इसको मैश करें और सिर्फ अपने पैरों पे लगाएं, फटी एड़ियां एक दिन में ठीक हो जाती है। अच्छा अभी तो हम बना रहे हैं, जब ये बिल्कुल घुल जाएगा इसमें हम अदरक डाल देंगे तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा, और बिल्कुल इसको पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे करीब, और साथ में डालेंगे शहद। मतलब 2 गिलास का 1.5 गिलास बन जाए, 1 गिलास बन जाए, 2 गिलास का जो है बनेगा तकरीबन इतना पकाना है, एक से भी कम पकाना, एक तरफ फटी एड़ियों का इलाज और एक तरफ फटे हुए गले का इलाज, बिल्कुल दोनों चीजें, ये गाय भी और डांस भी कर टॉप टू बॉटम, बिल्कुल ये रखें टॉप टू बॉटम, पेट भी कम, फटे हुए पेट भी कम करेगा। कभी शलजम घर में पकता था ना, कभी अम्मी से पूछा अम्मी आज घर में क्या बना है बचपन में, अम्मी कितनी शलजम, शलजम अच्छा अगर मौत पड़ जाती थी मुझे, शलजम आता है क्यों सर्दियों में, सर्दियों में आता है, और अगर आप नहाते वक्त गर्म पानी में शलजम का टुकड़ा डाल दें, जरा सा विटामिन ई ऑयल डाल दें, तो पूरी सर्दियां मैं समझती हूँ अल्लाह की दीवी सारी नेम पे सब्जी तो सब खाना चाहिए लिटरली। अब आप मेरे सर चंदन की फैमिली है, उसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बच्चे नहीं खाते, पालक नहीं खाना, जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, अर्क निकल आएगा, तो इसका हम जो है इसको छान लेंगे, और इसको छान के जो है अपने फ्रिज में रखना है, और जिसको भी खांसी हो रही है, बलगम हो रहा है, रेशा गिर रहा है, गले में खराश आ रही है, सुबह दोपहर शाम 1 टेबल स्पून इसको पीना है बस। अरे वाह, और कितने दिन तक ये पानी चल सकता है? ये तकरीबन फ्रिज में रखेंगे, और नहीं नहीं पूरे साल नहीं, अरे 15 दिन, अदरक भी है, हनी भी है, और अगर ज्यादा बलगम है तो इसमें हम जरा सा ना काली मिर्च डाल देंगे, अरे वाह गला बड़ा साफ, अच्छा तो गला जो है बिल्कुल साफ। अरे वाह, एक शलजम से आपके खांसी के जो है वो सीरम शरबत, और बच्चों को पिला सकते हैं, बच्चों के लिए बेस्ट है, बच्चों के लिए तो बेस्ट है ये, अगर बच्चों को एक चम्मच दे तो बड़ों को, बच्चों को 1 टीस्पून दे दें और बड़ों को 1 टेबल स्पून, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, अगर ज्यादा भी पी लेते हैं कोई हर्ज नहीं, अगर छोटे इन्फेंट्स हैं 6 महीने 8 महीने जिनको जकड़न होती है, बच्चों का क्यों कह रही पता है खुरम भाई के लिए नहीं नहीं बाकी के ये थोड़ा सा आप जैसे उस पे काली मिर्च नहीं डालें, उसके बच्चे के गले में दे सकते हैं ना, और उसको 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून आराम से दे सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं, बहुत अच्छी चीज है वैसे, बहुत बच्चे हमारे थोड़ी हैं, सही 6 साल का बच्चा जो है उसको दे सकते हैं, लेकिन उसमें शहद की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा चले जी ये हो गया हमारा, अच्छा शहद की मिकदार ज्यादा हो फिर 6 माह के साल के बच्चे को दे। अच्छा वैसे भी अगर जैसे कहते हैं अगर गला आपका बंद हो तो एक और सस्ता टोटका ये भी है ना कि मुलेठी, मुलेठी बड़ा जबरदस्त बता रहे हैं रेसिपी आप भी बता, क्योंकि मुझे मैंने मैंने खाई मेरा अपना गला खराब रहा, तो मेरे सामने इन्होंने भी कि मुलेठी बना के भी दिया मुझे मम्मी, तो पान में डाल कर रखो और चूस नीला दूध दे दे वहाँ खाई यही दे दे, लेकिन मुलेठी शुगर पेशेंट को थोड़ा एहतियात से, अच्छा शुगर पेशेंट एहतियात से उनको एहतियात से, मुलेठी की जगह आप दारचीनी ले सकते हैं, आप साबुत धनिया जो है उसको चूस सकते हैं। ये हमने नीला दूध किस चीज के लिए डाला है? जहरीला दूध है ये जहरीला कर दिया है, मैंने बताया था ना कि जाफरान की तरह कुछ भी। अच्छा हम क्लेंजर बना रहे हैं जी जी, और इसमें कोई भी क्लेंजर, क्लेंजर नहीं है कि आपके स्किन के लिए आपके टाइम कम है बन जाएगा, बस बता रही हूँ दूध लेना है उसमें आपने जो भी सीजन का फ्रूट है लाइक चकोतरा है या ऑरेंजेस है उसका छिलका डाल के उसको पका लेना है, ठीक है। जब ये बिल्कुल घुल जाएगा आपका क्लेंजर तैयार है, मेकअप रिमूवर बेस्ट है आपका, आपने इसे रात को क्लेंजिंग करनी है, मेकअप रिमूव करना है, उसके बाद आपने सादे पानी से धोना है और स्किन भी साफ हो जाएगी, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी खत्म हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा दूध प्लेन चाहिए ना, कोई डालना तो नहीं ना, कुछ नहीं बस दो चीज़ें, आप दूध में जब ये डालेंगे तो दूध को कुछ होगा नहीं, फटेगा ना, फटेगा क्रीमी हो जाएगा बिल्कुल, जैसे ना जैसे दही बनाते हैं नहीं बिल्कुल घुल जाएगा, दही सा बन जाएगा उसको आपने पानी छोड़ेगा तो उसको एक पानी नहीं छोड़ता है गाढ़ा हो जाएगा, अच्छा गाढ़ा हो जाएगा पानी नहीं छोड़ेगा ये,
अच्छा पानी छोड़े तो इसे इतना पकाएं कि गाढ़ा हो जाए। हाँ, पानी जो है वो बहुत अच्छा है, अगर आप लगा रहे हैं तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके व्हाइटनिंग के लिए बहुत जबरदस्त है, जो दूध का फटा हुआ जो पानी होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जबरदस्त, हमारा क्लींजर भी हो गया, हमारा खांसी का शरबत भी हो गया। अच्छा एक हकीम मदर साहब, आप माशा से जैसे बोलते हैं, आपने कभी शायरी की? बहुत अच्छी हो जाए। झंग जबल में रमता जोगी फिरे है जू बजू, हसरत भरे हवास लिए हो यार सामने हु बहू, दर्ब दर्दे दीद की सदा दाम से दाम दू बदू, काट के चिल्ले को होस्तानों में अब कूक करे है कू बकू, मेले में दुनिया के मिले मदारी कई रू बरू, सब फरेबी फ्राडी निकले फकीर फंटर हु बहू। क्या पुराने गाने, क्या मेलोडियस और क्या एकदम वो कहते हैं विजन, वो विजुलाइज करने लग जाते हैं कि और बाकी आप झूम रहे होते हैं, मजा आ जाता है। तो हम भी अपने शो की गाड़ी को चलाएंगे और शो की गाड़ी को चलाते हैं हम जाएंगे अपने किचन में धीरे धीरे, नहीं तेज से जाऊंगी। हकीम रजा जो है वो हमारे पास आ जाए, और हकीम रजा आप क्या हम बताएंगे 10 रुपए के वो जादुई टोटके, 10 रुपए वाले वो जादुई टोटके जो कि बहुत आसान है। जी जी, किस चीज़ का बता रहे हैं? आदाब। अच्छा 10 रुपए के वो जादुई टोटके जिसमें एक ख़वातीन का पोशीदा मर्ज है, जिसमें जो है वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, खून की भी कमी होती है, और उस मर्ज में बाल भी गिरते हैं, आँखों के गिर्द हल्के भी पड़ जाते हैं, और कमर में भी दर्द रहता है। बाज़ ख़वातीन को ये मर्ज़ बहुत पुराना होता है और इसकी वजह से हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। उसके लिए बड़ा आसान सा नुस्खा है, हमने इसमें अनार के छिलके लिए, खुश्क उनको पीस लिया, वो हमने लिए 1 टेबल स्पून अनार के, ठीक है, अनार करने के बाद। अच्छा अनार के छिलके इसलिए नहीं, सुखाने के बाद पीसना है ना, सूखे हुए नहीं, नहीं सूखे हुए हमने पीस के रख लिए, नहीं मतलब जो छिलके करे उसको सुखाए धूप में फिर पीसे ना। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा अब इसमें हमने फिटकरी सफ़ेद मिलती है, इसको शब यमानी भी कहा जाता है, ये खील की हुई 1/4 टीस्पून, ठीक है, ये भी हमने इसमें शामिल की। बस ये 2 चीज़ें हैं और ये आपका 10 रुपए का जादुई नुस्खा तैयार है, ठीक है। अच्छा इसकी बता सकते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, मैं आपको बता दूँ कि ये जो अनार का पोस्त है वो जिगर की इसलाह करता है, इससे भूख बढ़ती है, ठीक है।
अच्छा फिटकरी जो शब यमानी है वो इस्तेमाल होती आती है अमराज जिगर के लिए बहुत अरसे कदीम से, इससे भूख बढ़ेगी। और दूसरा जिस मर्ज़ की मैंने जिस मर्ज़ की अलामत मैंने बताई हैं वो काफ़ी सारी ख़वातीन की समझ में आ गई होंगी, डॉक्टर साहिबा की समझ में आ गई होंगी, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा हेमोग्लोबिन जी अगर हमें किसी को वजन की प्रॉब्लम है जब भूख बढ़ेगी तो वजन भी बढ़ेगा। अच्छा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, असल में ऐसा होता है कि जिगर का जो फाल है वो मुतहरिक होता है और वो मिजान में रहता है। मेटाबॉलिक रेट भी आता है। हकीम साहब कोई आसान उर्दू फटकड़ी का नाम क्या है बताएं आप? शब यमानी। क्या लग रहा है किसी कनीज का नाम लेने बात चल रहा है? शब यमन क्या है? अच्छा फटकड़ी यमानी फटकड़ी फटकड़ी जो है वो हमने एक टेबल स्पून लिया, इसमें पोस्त अनार अनार का छिलका सूखा हुआ और उसमें क्वार्टर टी स्पून हमने डाला फटकड़ी का, ठीक है दो चीजें। अच्छा इसका क्वार्टर चम्मच आपने सुबह खाली पेट एक कप दूध के साथ लेना है, अगर दूध मुयसर ना हो तो मेरी बहन अल्लाह वसाई इसको पानी से भी ले सकती है। अल्लाह वसाई वहाँ पे कोई कोई जानने वाली कुछ सच में आपकी बहन है क्यों सिर्फ अल्लाह वसाई क्यों वो इस वो इसलिए साइमा वगैरह जितनी देख रही उनका क्या नहीं वो इसलिए कि जो बहुत दूर रहने वाले लोग हैं मुझे काफ़ी सारी कॉल्स ऐसी आती हैं वो बोलते हैं हकीम साहब रेसिपी ऐसी बताई जाती है जो हमारी समझ में नहीं आ रही होती। वो तो आप उर्दू भी ऐसी बोल रहे हैं उनको समझ आए तो हम क्या करें? असल में ये चेंज नहीं हो सकते। अनारकली को जब चुनाया जा रहा था दीवारों में तब से भागे हुए मैं अभी तक फिटकरी पे अटक गई हूँ। मेरी सुई जो है ना ये बता दें नॉर्मल फिटकरी जो मिलती है वो डालना है या उसको तवे पे कुछ करना है जलाना है क्योंकि आवाम पे तवे पे खेल करके हाँ ये बता दें उसको थोड़ा सा सिकाई करके मैंने हाँ हाँ मैंने पहले कहा कि खिल की हुई फिटकरी हमने क्वार्टर टी स्पून ली, ठीक है दो टेबल बिरयान बोलते हैं गरम कर खेल तब तक करें जब तक उसका पानी पूरा ना सूख के खुश्क हो जाए। खुश्क हो जाए तो आप चूल्हा इसको आप तवे पे रखेंगी तो उसमें ये होगा इसको पाउडर करके रखेंगी तो ये पानी बन जाएगा, उसके बाद पानी खुश्क हो जाएगा, जब पानी खुश्क हो जाए तो आप समझ लें ये खिल हो गई, ठीक है। अच्छा दूसरा है दूसरा 10 रुपए का जादुई टोटका है, उसमें हमने 1 टेबल स्पून ली हल्दी, साबुत हल्दी लेके पीस लें तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है ठीक है। ये साबुत हल्दी हमने ली 1 टेबल स्पून और इसमें भी हमने फिटकरी खिल शुदा खिल की हुई क्वार्टर टी स्पून डाली, ठीक है ये क्वार्टर टी स्पून हमने इसमें फिटकरी डाल दी और इसमें हम डालेंगे 7 दाने लौंग के। अच्छा ये 7 दाने हमने इसमें लौंग के शामिल किए, इसको पीस के बारीक कर लेंगे पाउडर करके रख लेंगे, इसको बतौर मंजन इस्तेमाल किया जाएगा। दांतों का जो मर्ज़ होता है पाइवेरिया, दांतों का हिलना, मसूड़ों का खून आना, ऐसे तमाम जो अलामतें हैं वो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ख़त्म होंगे। मसूड़े भी आपके अंदर मसूड़े अगर आपके होंगे तो इन्फेक्शन होगा, चिट्टे हो जाएंगे दांत, दांत बिल्कुल चिट्टे हो जाएंगे और इसके साथ साथ ये भी होगा कि अगर दांतों में दर्द होगा तो वो भी खत्म होगा क्योंकि हल्दी है भाई हल्दी है और आप मसूड़ों से खून आ रहा होगा वो भी सेट हो जाएगा, पाइवेरिया की शिकायत है दांत हिल रहे हैं वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सबसे सबसे अच्छी बात वो भी रुक जाएगा स्टार्ट बोल तंग करे। अच्छा जी सबसे जो अच्छा इसका फायदा है वो ये कि हिलते हुए दांतों को जमा देने वाला नुस्खा है। ये बहुत सारे लोगों को जिनकी एज 50 से बढ़ जाती 60 से बढ़ जाती है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे दांत हिलना शुरू हो गए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा नुस्खा कि हल्दी में खिल की भी शब यमानी और इसमें लौंग वो क्वार्टर टी और उसके बाद उसमें लौंग डालनी है और उसके बाद चौथाई चम्मच और उसके बाद उसको आप पीस लें दांतों में लगाएं अगर दांतों में बतौर मंजन इस्तेमाल करें दांत साफ भी होंगे स्पेशली रात में करें स्पेशली रात में जी सरस के बिल्कुल होते हैं सही ठीक है। अब माइक का मेरे ख्याल से मसला माइक ले लगा अच्छा जी इस वक्त चैनल से लाइन पे कॉलर भी मौजूद है कॉल भी ले रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं सिद्रा बात कर रही हूँ सरगोधा से। जी सिद्रा कैसी हो ठीक हो ठीक ठाक आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक क्या पूछना चाहोगी सिद्रा? जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी जरूर जरूर जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा कैसी हैं आप? ठीक ठाक आप सुनाएं डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आप बताइए। डॉक्टर साहब मेरे नोज पे ना छाई पड़ गई है एक
ओ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बड़ी अच्छी एक तरकीब भी बता रहा हूँ, फिर हम एक बनाएंगे भी। अच्छा देखिए, अगर आपकी झाइयाँ पड़ गई, बड़ा सिंपल सा, आप खाने का जो मीठा सोडा होता है, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हैं जो चने उबालने के भी काम आता है, आपने क्या किया, 3 से 4 चमचे मीठा सोडा, उसके अंदर 2 चमचे ग्लिसरीन, 1 लेमन, 1 लीमू का रस, और उसके साथ ऐड करेंगे विटामिन सी की 5 से 6 गोलियां। ये तमाम चीजें आपने अच्छी तरह फेंटी और इसके अंदर थोड़ा सा अरके गुलाब मिला के पूरे चेहरे पे नाक पे लगा दिया और रात को लगा के सो जाए। सुबह शाम एक एक टैबलेट सीकॉन की, 60 रुपए की बोतल आती है, पूरा महीना चलती है, सुबह शाम सीकॉन खाए, अपनी गजा में पालक का, इंजीर का, अनार का, कीनू का, माल्टे का, ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल बढ़ाए। देखिए बहुत जल्दी खत्म हो गया। सही सही, इसके साथ एक और है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम, ये जो हस्बैंड है इसकी खांसी तकरीबन चेस्ट का मसला है जी जी, शक्कर से मैं दिखा कर तकरीबन साल कोरस की चलाई है लेकिन फायदा नहीं हो रहा है सर। अच्छा, आप भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मुनीर अहमद। अच्छा मुनीर अहमद साहब, अच्छा मुनीर अहमद साहब, और ये प्रॉब्लम किसको है? सर मेरी वाइफ को है सर। अच्छा आपकी वाइफ को प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ को। अच्छा खंग रात जो थे थी, रात को खांसी होती है इनको या दिन में? सर दिन और रात में ही होती है, रात को भी दिन में। रात में शदीद तो नहीं होती ना? शदीद होती है सर, रात में शदीद होती है ना, नींद भी नहीं आती। नींद भी नहीं आती। अच्छा इसके लिए एक है कि आप मुलेठी ले लें जी, मुलेठी, सौंफ, उनाब, मुनक्का, चारों चीज़ें ले लें आप, इनको एक गिलास पानी, एक एक तोला ले लें और इनको 2 गिलास पानी में पकाएं, 1 गिलास रह जाए इसको छान के रख लें, आधा गिलास सुबह पिलाएं, आधा गिलास फिर शाम को पिलाएं, इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे? सक्खर में बासानी आपको घंटा घर के सामने एक बाज़ार है, वहाँ चले जाइए, गुले बनफशा, गुले गाँव जबाँ, उनाब, सौंफ, मुलेठी, ये 5ों चीज़ें लेकर इसको थोड़ा सा जैसे चाय की पत्ती होती है इस तरह इसको कूट लें। सुबह जब भी हमारी बहन उठें तो नाश्ता करने के बाद 1.5 कप पानी का रखें, उसमें 1 टेबलस्पून ये जड़ी बूटियों का डालकर इसको पकाएं, कहवा बन जाएगा। अगर वो फीका पीना चाहें या उसमें कोई हनी शुगर ऐड करना चाहें, 1 कप सुबह 1 कप रात में, 2 दिन तक खांसी गायब इंशाल्लाह। अब जी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर खुर्रम अब जी, जी बिल्कुल आप बिल्कुल मैं आप बताएं कि बड़ी जबरदस्ती चीजें देखिएगा मदिया। अच्छा एक बड़ी कॉमन इशू होता है बहुत सारी खवातीन हजरात का, एक बालों का बड़ा इशू है, बाल बड़े शेड हो रहे होते हैं, बड़े हल्के हो रहे होते हैं, तो घर की चीज़ों से हम उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा ऑयल बनाएंगे। बहुत सिंपल है, मैं चाह रहा हूँ एक पैन हम लोग ले लें, छोटा सा एक बर्तन, ठीक है, जिसके अंदर हम तेल शुरू करेंगे। सबसे पहले पैन 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 इसको खाली कर लेते हैं ना, इसको इसमें डाल देते हैं जी, इसमें डाल देते हैं, कोई इशू नहीं, हाँ मिक्स कर दें जी, ताकि हम हमारे इसके मुंह पे छाइयां भी ना रहे, हमारा गला भी और खांसी भी सही हो जाए, ठीक है। अच्छा ये बड़ा सिंपल सा है, इसको हमने बड़ी प्लेन चीजें और घर के अंदर आपके मौजूद होती हैं, आपको खरीदना भी नहीं है ज्यादा, ठीक है सही, ये सही। आपने अच्छा क्या बताइए, जिनके चेहरे पे झाइयां होती हैं, पिगमेंटेशन का ज्यादा मसला है ना जी जी, एक टेस्ट होता है CBC जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड कल्चर, अगर उसमें RBC सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स कम है, आप में हेमोग्लोबिन कम है, या बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो झाइयां रह जाती हैं, तो इस टेस्ट को जरूर देख लिया करें। अगर उसमें आपके रेड ब्लड सेल्स कम है तो उसमें आपको आयरन लेना पड़ेगा, सही, वो हर्बल में लें या आप एलोपैथिक में लें, किसी भी में भी लें, तो उससे भी झाइयां खत्म होने में मदद मिलती है। सही सही, ठीक है चलें जी। डेढ़ साल दो साल लगता है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं जरूर शेयर करूंगी, मेरी एक फ्रेंड है उसको अच्छी खासी झाइयां थे, पिगमेंटेशन, अचानक जब मैंने उसको 1.5-2 साल बाद देखा, मैंने कहा तुम्हारी चेहरा बहुत साफ, क्या किया तुमने? कह रही मैंने सिर्फ पाइन एप्पल बहुत खाया। ये तो पाइनएप्पल, मतलब ये तो आंखों देखी वाली बात कह रही है, तो वो पिगमेंटेशन वैसे भी पाइनएप्पल अगर आप नेट पे जाएं लगा पिगमेंटेशन के लिए होता है, खाना और उसका ही जूस लगाओ, तो ये क्या है टाइटिंग भी करता है, 1.5 साल लगता है जिसे आप फॉरन 1.5-2 साल सिस्टम को क्लियर होने में, तो बेस्ट है, मतलब स्किन भी उसकी साफ और रंग भी साफ हो गया था। अक्सर खवातीन जो है वो जामर जिनको छाइयां होती ये जहन में रखें, होने की वजूहत 2 जो है बहुत ज्यादा है जी, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B2 का कम होना और आयरन का कम होना, जब माँ को बच्चा हो रहा होता है तो उस वक्त वो बच्चा आयरन ले रहा होता है माँ का, उस वक्त भी हो जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हो जाती है। और ये 6 चीज़ें अल्लाह ताला ने बड़ी उतारी हैं छाइयों के लिए,
बिल्कुल सही कहा डॉक्टर बल्कीस ने सब ने कि ये साल वगैरह ले लेती है इतना टाइम, लेकिन छह चीज़ें हमेशा याद रखें, एक ज़ाफ़रान है जी, बादाम है, हुस्न यूसुफ़ है, निशास्ता है, बाल झड़ है, ऑरेंज पील ऑरेंज का छिलका है, चाह इन सब चीज़ों का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद एक डेढ़ स्पून ले लें, प्योर हनी में इसका पेस्ट बनाएं और पूरे फेस पर लगा के एक घंटा रखें, चाहे किसी वक्त भी लगा लें। आप ये रोज़ाना करें, आपको देखो छाइयाँ पहले बाहर आएंगी, बाहर आकर ये ब्रेक होती है, यानी अगर लाइट वाली है तो शायद तीन चार महीने में, लेकिन अगर ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर है तो एक साल लेती है लेकिन ख़त्म हो जाती है। ज़बरदस्त छाइयों का इलाज आपको मिल गया। अब डॉक्टर खुर्रम जिन छाइयों का इलाज हमें करना बता रहे हैं वो तुम आपको ज़रूर बताएंगे, दस रुपये के अंदर अंदर वो इलाज हमारे पास मौजूद है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो वेट सिर्फ आपको इतना करना है कि मैं छोटी सी ब्रेक पे जा रही, कहीं हो जाएगा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर खुर्रम आपको जल्दी से बताएंगे वो नुस्खा जिससे आपकी छाइयाँ गायब हो जाएँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर खुर्रम हम क्या बना रहे हैं जी, छाइयां दूर करने के लिए? पहले तो हम ऑयल बनाएंगे और फिर छाइयों के लिए क्रीम, बड़ी जल्दी जल्दी बड़ी सिंपल बड़ी सस्ती चीज है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जिसके अंदर हमने डाला, चूल्हा जला लेंगे थोड़ा सा, ये आ गया जी, ये हमने डाला नारियल का तेल। अच्छा, ये घर में आपके मौजूद होता है नारियल का तेल, तकरीबन आपने पूरी बॉटल हम लेंगे क्योंकि पूरा महीना चले आराम से। अच्छा, इसके अंदर ऐड करेंगे जी सरसों का तेल, ठीक है, ठीक है, नारियल का तेल आ गया, सरसों का तेल आ गया, इसके साथ ऐड करेंगे जी कलौंजी, या फिर कलौंजी अगर नहीं है तो आपके घर में लौंगे मौजूद होंगी, ठीक है, तीन से चार आपने लौंगे ली, ठीक है, ठीक है, लौंगे बालों को बड़ा ग्रो करती है, बड़े इनके अंदर नरिशमेंट लाती है, लौंगे डाली, उसके साथ डालेंगे आप मेथी दाना, लौंगे दो चुटकी मेथी दाना, ये आ गया मेथी दाना। अच्छा, लीमू के बीज, ये आपके बालों को बड़ा घना करते हैं, इरिटेंट होते हैं और बड़ा हेल्दी रखते हैं, ये देखिए। अच्छा, ये लीमू के बीज आ गए, ये लीमू के बीज आ गए, और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे हम बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, ये आ गया मुलेठी पाउडर, ठीक है, मुलेठी पाउडर बिल्कुल चुटकी, ये बालों को बड़ा तेज से इरिटेंट करेंगे। अच्छा देखिए, इसके अंदर हम कुछ भी हमने नहीं डाला, हमने सिर्फ डाला नारियल का तेल, उसके अंदर सरसों का तेल, थोड़ी सी लौंगे, और उसके अंदर लीमू के बीज और मेथी दाना, इनको लेकर मुलेठी के पाउडर के साथ खूब पकाएं, अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाए, इसका टेक्सचर आप देखिएगा, रंग बड़ा ज़ोरदार होगा, ये बिल्कुल जहाँ से आपके बाल गायब भी हो रहे हैं, गंजा पना रहे हैं, वहाँ पर तेज़ से ये इरिटेंट होगा और बाल आपके तेज़ से आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इस तेल को निकालें आप, और लीमू के बीज वैसे भी ये आपके बालों को बहुत इससे ग्रो करते हैं, ये देखिए बड़ा गोल्डन किस्म का ऑयल है, और इसके अलग से बॉटल बना के रखें, पूरी बॉटल बना के रखें, और ये चलती रहेगी बॉटल पूरा महीना, तो चलेगी आप पूरा महीना चलेगी, बहुत सिंपल तेल है, बड़ा सस्ता है, अगर आप चाहते हैं है ना, कोकोनट भी है इसमें, बड़ा देखिए हेल्दी सा, बड़ा थोड़ा सा अचार अचार भी है आपको लग रहा है, ठीक है, ये देखिए इसके बड़ा सिंपल सा होगा, और इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल्कुल गंजापन आ रहा है, बीच में से पैचेस हैं, एलोपेशिया जिसको कहते हैं, तो आप प्याज का रस भी डाल दें, वो भी सस्ता पड़ेगा। अच्छा, प्याज का, प्याज का रस बहुत हेल्दी करेगा आपके बाल, प्याज का रस डाल के पकाएंगे ना, प्याज नहीं पकने के बाद ऊपर से डालेंगे, अच्छा ऊपर से मिक्स करेंगे आप, ठीक है, ये तेल आपका बिल्कुल तैयार है, बहुत हेल्दी करेगा, आपके बाल भी बड़े घने और बड़े हेल्दी होंगे। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, चार क्रीमें मिला के लड़कियां लगाती है गोरा होने के लिए, बड़ी नजर आने लग जाती है, क्या कुछ भी हो, आपके फ्रेकल्स आए, आपके पिगमेंटेशन जाए, सन ब्लॉक बहुत बहुत बिल्कुल सही कह रही है, अभी तक कोई नहीं लगाता, लोगों को आइडिया नहीं है, हाँ लोग समझते हैं कि जी, लोग कहते हैं सन ब्लॉक लगाने से मुझे पसीना ज्यादा आता है, आता है कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा बर्दाश्त करें, अगर नहीं आता ऑयल ऑयल फ्री ले, कितनी बार तो बताया, लेकिन बिल्कुल, अभी बिल्कुल। तक लोग तो फोम्स में आ गए, जेल में जेल है, जेल है, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आप कराची में रहते हैं मई का महीना है तो आपको ऑटोमेटिकली पसीना तो आ ही रहा है, नहीं मगर ड्राई वाले में नहीं आता बिल्कुल। अच्छा अमर जी, आप तो मेकअप सारा करती हैं,
मुझे बताएं कि फिर हम जो सनब्लॉक लगाएं फिर उसके ऊपर मेकअप आराम से ठहर जाता है? बेहतरीन मेकअप, मैं तो सनब्लॉक बल्कि कोल्ड क्रीम लगाकर मेकअप करती हूँ, तो आपकी स्किन नथिंग लाइक इट, क्योंकि वो आपके स्किन में ग्लो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और सनब्लॉक रिलीजियसली, जैसे कि मुझे पता है कि बहुत, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो झाइयाँ बनती हैं लोग भूल जाते हैं, कोई भी हम पीलिंग कराते हैं एक्नी की हो, डर्म अब्रेशंस हैं, करवाएं ज़रूर, लेकिन डॉक्टर्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है उस दौरान जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपने धूप से बचना है। ये मैं भुगत चुकी हूँ डर्म अब्रेशन, और आप समंदर पे चले गए, आप धूप, आपकी फौरन झाइयाँ आती है फिर जाती नहीं है, तो इसलिए कोई भी अगर ट्रीटमेंट डॉक्टर से चल रहा है तो धूप से बचें एक आध हफ्ता और फिर दोबारा रेगुलर उसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग नहीं समझते और अब तक डॉक्टर टाइम भी नहीं होता। बिल्कुल, ये तो जाती तजर्बा है तो मैं शेयर करती हूं। अच्छा, हमारे पास कुछ 10 रुपए के अंदर ऐसा सनब्लॉक भी हो सकता है अगर जरूरी है? ये बहुत सिंपल सा, अगर आप क्या करें कुछ भी नहीं, कॉटन वूल से आप शुगर केन एक्सट्रैक्ट जो होता है गन्ने का रस, सिर्फ वो लगाएं पूरे चेहरे पर, सन पूरा सन प्रोटेक्शन है। लेकिन डॉक्टर, अब रोजाना गन्ना कहां से कोई लाएगा? अब देखिए ना, अब हमें, अरे रोजाना अबर गन्ने का बनाने का शुगर केन एक्सट्रैक्ट आप लोग बता दें, जिंक ऑक्साइड है ना, होता है वो एक बोतल में भर के रख लें, वो 6 महीने में दफन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर जाएगा वो, उसको आप रोज वाटर के साथ मिक्स करें, कॉटन वूल से लगाएं, और आपको रोज ही लेना, आपको एक दिन लेके बोतल में रखें, क्रीम बड़ी अच्छी बनाना चाहेंगे जिससे बड़ा तेज से फर्क पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या किया जी, आप लेंगे मुल्तानी मिट्टी, बहुत सस्ती होती है बड़ी, आपने रोज वाटर में डुबो के रखी हुई है रात को, ठीक है, ये देखिए, ये इसके अंदर ऐड करेंगे आप थोड़ा सा मीठे बादाम का तेल। अच्छा, मीठे, ये बड़ा जरूरी होता है आपके चेहरे को ग्लो देने के लिए और प्रोटेक्शन भी देता है, रंग बड़ा आपका ग्लो करता है। अच्छा, विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, वो आपको महंगी पड़ेंगी, तो आप सस्ता करें, आप एक लेमन लें, उसको बीच में से पीस करके छिलके समेत इसके अंदर डालें, ठीक, पूरा एक लेमन आपने डाला, ठीक है जी जी, ये सनब्लॉक बता रहे हैं जी? नहीं नहीं, सनब्लॉक नहीं, ये क्रीम है पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है जी जी, बिल्कुल, और ये आ गया साथ में, सनब्लॉक हो चुका आपके जो एक्नी के या चेचक के खड्डे होते हैं उसके लिए बड़ी महंगी क्रीम आती है, उसको ये कवर करेगा, ठीक है, केले के छिलके, लेमन, ठीक है, उसके साथ आपने ऐड किया मुल्तानी मिट्टी रोज वाटर में, और घर के अंदर जो आपके दूध आया है उसकी आप बलाई रोजाना ना खाया करें क्योंकि आप बड़े मोटे हो जाएंगे, तो आपने क्या किया, तकरीबन आधा प्याला आपने पूरे हफ्ते की बलाई बचा के रखी। अच्छा, खुरम खुद खाते हैं बलाई, मुझे एकदम बलाई याद आ गई, बलाई याद आ गई, ये देखिए ये आपने बलाई ली और ये आपकी स्किन को बड़ा जबरदस्त सा एक इफेक्ट देगी, ठीक है, इसके अंदर आपने एक लीमू डाला, केले के छिलके, मुल्तानी मिट्टी आपने रात को डुबो के रख दी थी अरके गुलाब में, और इसके अंदर हमने डाला ये बलाई, बस अब आप ये देखें क्रीम कैसी जबरदस्त बनेगी और रंग बहुत तेजी के साथ निखरेगा, और आपकी पूरी बॉडी पे लगाएं आप ना, तो आप देखें इसका इफेक्ट कितना अच्छा आना शुरू, कितना अच्छा, जब आप फ्रूट चाट बना रहे हो तो ये सब बना ले, है ना, हाँ, थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर देते हैं, छिलके छिलके डाल दो, थोड़ा सा जी छिलके हैं ज्यादातर ना, ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा अरके गुलाब डालें तो और बहुत भी चाहिए, पानी नहीं डालिएगा वैसे इसमें अरके गुलाब डालिए, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरके गुलाब है आपके पास, थोड़ा सा दे दीजिए, केवड़ा भी डाल सकते हैं, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका हमें अरके गुलाब इनायत फरमाया, इनायत फरमाया, और हमने वो अपनी क्रीम में डाल लिया, ये केवड़े की खुशबू, वाह बड़ी जबरदस्त, अब ये देखें थोड़ा हकीम साहब और डाल रहे हैं, हकीम साहब और इनायत, थोड़ा सा थोड़ा सा केवड़ा डाला है ना, ये आवाम के लिए ना, ये केवड़ा बड़ा इसका, खुर्रम भाई कुछ भी डाल सकते ये आपकी हेल्प, थोड़ा सा हिला लेना खुर्रम उसको, जी जी जी, ये थोड़ा, लेकिन चीज अच्छी बन जाती है ना, हाँ ही हिला, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, मदिया करके और सम, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, ये मदिया होगा नहीं, पहले पता क्या है मशीन से थोड़ा अच्छा, मशीन फिक्स कर दे, टेढ़ा कर दे, मशीन को हल्का सा टेढ़ा कर, थोड़ा सा हिला लो बस, अब ये हां वो फटाफट हो जाएगा, अब आप करेंगे बिल्कुल तैयार है, मुल्तानी मिट्टी नीचे चली गई है, हकीम साहब ने फौरन ही बताया उनको था कि अब से जरा दोबारा केवड़ा डालेंगे, ये केवड़े से घबरा गए वो, देखा आहा केवड़ा करो, आया तो नहीं है, नहीं नहीं बैठ जाओ, तो फौरन केवड़ा कर दे मशीन, अच्छा इसकी वजह से जी चेक कर दो थोड़ा सा, हिलाए हिलाए, हो गया, जोड़े अब हो रहा है, हो गया, मुझे पता नहीं, अब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है,
हो रहा है, ये देखिए ना हो रहा है। हो गया तकरीबन वैसे, हो गया खुल जाएगा। ये हमने जग लूज किया हुआ थोड़ा सा जी, ये हमारे बर्तन खराब कर रहे हैं। मैं आपको अभी से बता रही हूँ, ये हमारी चीजें खराब कर रही हैं। ये हेल्प कर रहे हैं थोड़ी सी ना। ये अच्छा एंड में लाहम कर रहे हैं। अच्छा हेल्प भी किसकी मांग रही है इसकी? कभी काम नहीं है कि जब हेल्प नहीं मांगी कि काम खराब करेगी मजीद। चलो सुगर मैं आ गई, निकाले निकाले चल ये निकाले इसमें डाल, ये निकाले से जरा सी, ये देखा ना इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। ये देखें ये क्रीम आ गई, वाओ आपने नहीं किया मुझे बताएं हमारे लिए देखिए क्रीम का पूरा टेक्सचर भी और इसको ये ऐसे लगा के छोड़ना है, मसाज करना है। आप लगा के पूरी स्किन पे छोड़ दें। अच्छा तो ये तो बड़े मतलब स्किन के साथ आपकी स्क्रबिंग भी करेगी जी, पूरी बॉडी के लिए है। डेड स्किन आपकी और सभी चीजें ना बहुत अच्छी दवा है ना, केवड़े की आ रही है ना, जिनका डला है, जिनका डला बड़े घबरा रहे थे, मगर खुशबू बहुत अच्छी है, खुशबू अच्छी है बिल्कुल जबरदस्त थी। और ये बड़ी अच्छी सी टेक्सचर की क्रीम बनेगी, ये देखें हाले कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं एग्जैक्ट जो हम फेंक देते हैं ये चीजें वो थी, कुरम जरूरी नहीं है ना, जग में बनाना इसमें भी बना सकते हैं ना, मगर वो थोड़ा सा केले के छिलके हैं, लीमू है, ब्लेंड हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच डॉक्टर आपका, हकीम रजा आपका, डॉक्टर खुर्रम आपका, थैंक यू सो मच अमन जी आपका, डॉक्टर बिल्किस आपका और उमर हिल आपका, और एंड में ओवरट्यून इमरा और इमरा जो है बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाएंगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शांत रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह कल के शो में मुलाकात होगी। और निमरा आ जाइए, स्टेज आपका है।